वैसे तो कामयाबी काफी मीठी होती है, लेकिन कामयाबी के कुछ डायबिटिक साइड इफेक्ट भी होते हैं और सनी पाजी को आजकल साइड इफेक्ट मालूम पड़ रहे हैं। सनी देओल को बहुत मास हिस्टीरिया वाले फैंस के साथ रहना पसंद नहीं है और ना ही वो सेल्फी कल्चर से बिलोंग करते हैं। मूवी में काम करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गदर 2 के लिए सनी देओल ने पहली बार मास लेवल पर मार्केटिंग की है और फैंस से रूबरू हुए हैं। हालांकि इसका उनको फायदा मिला है, लेकिन नुकसान भी हुआ है। कुछ फैन के साथ बदतमीजी करने के मामले में सनी देओल को काफी ट्रोल किया जा रहा है। पहले गरीब औरत के साथ बदतमीजी करने का मामला था और अब एयरपोर्ट पर एक बंदे पर चिल्लाने का मामला सामने आया है। हालांकि वीडियो पुराना है, सनी देओल रास्ते से जा रहे हैं एयरपोर्ट के थ्रू और वहीं पर एक फैन उनके साथ जबरदस्ती सेल्फी की डिमांड कर रहा है। सनी पाजी पहले तो मुस्कुराते हैं, फिर अनकम्फर्टेबल होते हैं, फिर बहुत जोर से चिल्लाकर उसको भगा देते हैं। स्टार्टिंग में इस वीडियो को फनी वीडियो के तौर पर ट्रोल किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रोलर आर्मी को लगा सनी देओल कामयाबी के आसमान पर उल्टा उड़ रहे हैं और फैंस की इज्जत नहीं करते। धीरे धीरे मामला इतना तूल पकड़ गया, सनी पाजी को माफी मांगने के लिए कहा गया। तब सनी पाजी अपने नेचर के विरुद्ध नहीं जा सकते, उन्होंने इस पूरे मामले में इंटरव्यू में अपनी बात रखी और कहा कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, जब मैं गलती करता हूं तो माफी मांगता हूं। लेकिन यहां पर मामला कुछ और है। कई बार एक्टर किसी पेन से गुजरते हैं, जैसे कि उस दिन मैं दर्द से गुजर रहा था, क्लिनिक से होकर आया था, पीठ में दर्द था और बहुत सारी थकान थी, कई रातों से सोया नहीं था। ऐसे में जब आप एयरपोर्ट से सीधे होटल जाना चाहते हैं, अपनी मेडिकेशन लेते हैं, इलाज करवाते हैं, ऐसे में कोई आपके कंधे पर बार बार हाथ रखे, आपसे सेल्फी की रिक्वेस्ट करे और सेल्फी लेने के बाद भी वहां से हटे ना, तब गुस्सा आना लाजमी है। एक्चुअली वीडियो देखेंगे तो वहां पर आप समझ जाएंगे वो बंदा फोटो खींचने के बाद भी उसी सेल्फी मोड में रहता है और फुटेज को काफी देर तक होल्ड करके रखता है। सनी पाजी इसी बात पर झल्ला गए थे और डांट के आगे भगा भी दिया। हालांकि सोशल मीडिया की जो ट्रोलर आर्मी है वो सनी देओल के दर्द को समझ नहीं पाई। सनी देओल कई सालों से कंधे के ऑपरेशन से जूझ रहे हैं और जब एक महिला भी उनके साथ बदतमीजी की बात सामने आई थी तब भी वो क्लिनिक से बाहर आ रहे थे। यानी जब कोई अस्पताल में होता है उसका मूड चिड़चिड़ा हो सकता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, तब उससे सेल्फी के लिए बार बार रिक्वेस्ट करना, स्माइल करने के लिए कहना काफी अनकंफर्टेबल होता है। तो सनी देओल ने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन सनी पाजी को सपोर्ट करने के चक्कर में कंगना रनौत काफी हद तक चढ़ चुकी है सोशल मीडिया के ट्रोलर्स के। एक्चुअली कंगना ने कहा है कि जो सेल्फी कल्चर है बहुत डरावना है, कई बार फैन उनको गलत तरीके से छूते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि कंगना को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि आप उन्हीं फैंस की बदौलत स्टार बने हो, फैंस को कोसना बंद कीजिए और हॉलीवुड में जिस तरह लोग फैंस से खुलकर मिलते हैं वैसी मिलिए। बहरहाल कंगना की बात अलग रखते हैं, सनी पाजी अपनी बात में ऑनेस्ट हैं और सनी पाजी को ऐसे फैनेटिक फैन से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।